व्यंजक 6x स्क्वायर y की पावर 4 तथा 10xy स्क्वायर का एलसीएम 30x स्क्वायर y की पावर 4 है तो एचसीएफ होगा। हमें चार विकल्प दिए गए हैं। हम जानते हैं कि व्यंजकों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? दोनों व्यंजकों का गुणनफल बटे एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों व्यंजकों का गुणनफल बटे एलसीएम। हमको व्यंजक ज्ञात है तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर y की पावर 4। पहला जो व्यंजक है वो है इंटू, दूसरा व्यंजक क्या है? 10xy स्क्वायर बटे एलसीएम क्या है? 10x स्क्वायर y की पावर 4। y की पावर 4 से y की पावर 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 6 को हमने काट दिया 3 से, तो ये दो बार जाएगा। और यहाँ जो 30 है उसमें हम देखते हैं कि 10 से 30 तीन बार कटा, 3 से हमने 3 को काट दिया है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला? हमें मिला ये मान हो गया 2xy स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2xy स्क्वायर विकल्प बी है, तो यहाँ विकल्प बी सही है, HCF होगा 2xy स्क्वायर। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a शून्य नहीं है, ये एक मानक द्विघाती समीकरण का रूप है। और श्रीधराचार्य का सूत्र होता है दो मूल ज्ञात करने का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बी क्या होता है यहाँ पर? बी होता है x का गुणांक, a क्या होता है? a होता है x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद। तो इससे हमें दो मूल प्राप्त हो जाते हैं, एक मूल धनात्मक चिन्ह लेने पर आता है और दूसरा मूल ऋणात्मक चिन्ह लेने पर आता है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जिससे हम मूल ज्ञात करते हैं समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a।